उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले में घाघरा नदी उफान पर है, जिस कारण यहां के लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि भीषण बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है और लोगों का जीवन का संघर्ष काफी मुश्किल हो गया है। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है लोगों को हर सुविधा प्रदान करने के लिए, लेकिन आपदा के बीच जिलाधिकारी सैमुअल पॉल NIS का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनका एक बयान काफी चर्चा में है, जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो को देखिए। कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बताया जा रहा है कि इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि उनके पास राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। इस पर DM ने कहा कि सरकार ने जोमेटो सेंटर थोड़ी खोल रखा है, जिसको मदद चाहिए वो बाढ़ चौकी आइए। DM का ये बयान अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल N बाढ़ चौकी के पास ग्रामीणों से कहते नजर आए, बाढ़ चौकियों पर रुकने की व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर आकर देख लेगा, इसीलिए बाढ़ चौकी स्थापित होती है। बाढ़ चौकी का क्या पर्पस है? अगर आप लोग घर पर रहेंगे तो क्या हम लोग घर पर पहुंचवाएंगे खाना? जोमेटो सर्विस थोड़ी चल रहा है हम लोगों का, जोमेटो थोड़ी ना चला रखी है सरकार ने। व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है, बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बता दें कि ग्रामीणों से बात करते हुए DM ने लोगों से यह भी कहा कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां शौचालय की सुविधा, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य शिविर और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से बाढ़ राहत शिविरों में पहुँचने का अनुरोध भी किया, लेकिन उनके इस बयान से वे काफी चर्चा में आ गए हैं और इसकी लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं।